नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज अग्रवाल, नंदन कानन होम स्टे। ये इधर जो है हमारा पंडाल लगा हुआ है जहाँ पे कथा चल रही है। ये हमारे ताऊ जी यहाँ पे माला बना रहे हैं व्यास जी के लिए। और जो जो शारदीय नवरात्रि है वो किस प्रकार से करनी चाहिए उसके विषय में मैं तुम्हें बताऊंगा। 2 वर्ष की कन्या से शुरू होकर 10 वर्ष तक की कन्याओं का पूजन आप कर सकते हैं। बोलिए जगत जननी जगदम्बिका मैया की। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज अग्रवाल, नंदन कानन होम स्टे मुक्तेश्वर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नंदन कानन होम स्टे में। तो जैसा कि आपको पता, हमारे घर में श्रीमद् भागवत कथा, तेई भागवत कथा चल रही है। तो आज भागवत कथा का 5th दिवस है और अभी सुबह का समय है। मैं जस्ट तैयार होकर नहा धो के पंडाल की तरफ जा रहा हूँ जहाँ पर हमारी कथा होनी है और जहाँ पर हमारा यज्ञ कुंड बना हुआ है, जहाँ पर हमारी नित्य पूजा होती है। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ प्रातःकालीन जो हमारी वंदन होता है, उपासना होती है, जो पूजा होती है वो कैसे होती है, क्योंकि नित्य यहाँ पर प्रातःकालीन पूजा होती है जो कि करीब 2 से 2.5 घंटे चलती है। तो उसमें बैठने के लिए मैं जा रहा हूँ तैयार होकर के। तो बने रहिए हमारे साथ में, पूरी वीडियो को एंजॉय कीजिए। उम्मीद करता हूँ आप हमारी पिछली वीडियोज़ को भी, जो भागवत कथा की यहाँ पर हैं, उनको एंजॉय कर रहे होंगे और आनंद ले रहे होंगे। तो इसी तरह से मैं आगे भी जो हमारी कथा हो रही है उसका पूरा आपको टेलीकास्ट देता रहूँगा। तो बने रहिए हमारे साथ में, ऐसे ही चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। ये इधर जो है हमारा पंडाल लगा हुआ है जहाँ पे कथा चल रही है और बिल्कुल यहीं पीछे घर में जो है जेरी जो नित्य पूजा होती है वो होती है। मैं आपसे पंडाल दिखा देता हूँ। ये अंदर पंडाल बना हुआ है जहाँ पे कथा होती है और यहाँ से आगे इधर ये वो कक्ष है जहाँ पे नित्य पूजा होती है। ये यहाँ पे देख सकते हैं पंडित जी अपना स्त्रोतम पाठ कर रहे हैं और इधर ही बिल्कुल दाएं साइड में यहाँ पे हमारी बेदी बनी हुई है जहाँ पे सारे देवों को स्थापित करके उनकी यहाँ पे पूजन चलता है। तो नित्य यहाँ पे सुबह है, यहाँ पे हमारी प्रभात वंदन रहता है, मतलब सुबह की पूजा होती है, करीब 2-2.5 घंटे की पूजा चलती है। ये सारे जो कलश है उन्हें देवों को स्थापित किया गया है यहाँ पे। सये आत्म सनि प्रजा सनि मधु सनि लोक सन्य भय सनि अग्नि प्रजा बहुलांबे करो पन्नम पयो रेको अजमा। ओम जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। सो फाइनली हमारी पूजा संपन्न होगी जो सुबह प्रातःकालीन पूजा होती है और अभी दोपहर का समय हो चुका है और इसके बाद हमारी कथा प्रारंभ होने वाली है। तो बने रहिए हमारे साथ में, पूरी कथा को एंजॉय कीजिएगा। मैं आपको पूरी टेलीकास्ट दूंगा कथा का। आज की जो हमारी 5th दिवस की कथा है उसी क्षणों में प्रारंभ होने वाली है, तो हमारे साथ बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं अपने ब्लॉग को। ये हमारे ताऊ जी यहाँ पे माला बना रहे हैं व्यास जी के लिए और जो भागवत जी हैं उनको अर्पण करने के लिए। तो इस तरह से नए नए पुष्प आते हैं, लोग लेकर के आते हैं, जितने भी भक्तगण आते हैं वो लेकर के आते हैं पुष्प और उन्हीं पुष्पों से माला बना करके यहाँ पे अर्पण किए जाते हैं भगवान को और व्यास जी को। स्वागतम
शुभ स्वागतम 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 धूपम आघ्रापयामि दीपम दर्शयामि अमृत स्वरूपम नैवेद्यम निवेदयामि नैवेद्यांगं आचमनीयं जलं समर्पयामि वस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्र नेत्र येन त्वया भारत तैल पूर्ण रज्ज्वालोचनः शम्भुर् भगवान् बादरायणः दुर्गे 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 वही काम आवेंगे दुर्गे 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 वही काम आवेंगे वही काम आवेंगी आवागमन मिटावेंगी काम आवेंगी आवागमन मिटावेंगी वही काम आवेंगी आवागमन मिटावेंगी वही काम आवेंगी विपत्ति का जाल मिटावेंगी बलिए आटो पहर धीरे धीरे बल बलिए आटो पहर धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे जा रही है उम्र धीरे धीरे ये उम्र बीतते जाती कैसे बीत रही है महाराज पहले बचपन बीतता है फिर जवानी बीतती है फिर धीरे धीरे बुढ़ापा आ जाता है ये जीवन की सच्चाई है महाराज ये प्रतिक्षण बदलते ही जा रही है का होगा असर धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे 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 मेरे प्यास जी महाराज कहने लगे हे राजन सुनो राजन प्रवक्ष्यामि नवरात्र व्रतम शुभम नवरात्र व्रत के विषय में जो कथा है वह मैं तुम्हें बताता हूँ शरत काली विशेषेण कर्तव्यम विधि पूर्वकम जो नवरात्रि है वो विशेष रूप से जो शारदीय नवरात्रि है वो किस प्रकार से करनी चाहिए उसके विषय में मैं तुम्हें बताऊंगा। कहते हैं बसंत ऋतु में जो नवरात्रि आती है चैत्र मास में उसको कहते हैं वासंतिक नवरात्र। क्या कहते हैं? वासंतिक नवरात्र। जोर से बोलिए वासंतिक नवरात्र। वासंतिक नवरात्र। और जो आश्विन के महीने में जो नौर्थ महाराज असोज महण में होनी उन्हों कही जा शारदीय नवरात्र। क्या कहते हैं? शारदीय नवरात्र। शरद ऋतु की जो नवरात्रि है तो इस प्रकार से कहते हैं प्रत्येक पक्ष में माताओं 15 तिथियां होती हैं। एक महीने में दो पक्ष होते हैं
एक कृष्ण पक्ष एक शुक्ल पक्ष। तो प्रत्येक पक्ष में 15 दिन होते हैं। कृष्ण पक्ष में जो 15वीं तिथि है वो अमावस्या होती है और शुक्ल पक्ष में जो 15वीं तिथि है वो पूर्णमासी होती है। कृष्ण पक्ष में अमावस्या आती है और शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा आती है। तो जो शुक्ल पक्ष की जो 9 दिन होते हैं प्रतिपदा से लेकर के नवमी पर्यंत, ये 9 दिन क्या कहलाते हैं? नवरात्र कहलाते हैं। प्रत्येक महीने में नवरात्रि होती है, प्रत्येक महीने में नवरात्रि होती है। तो विशेषकर जो फल है वो शारदीय नवरात्र और वासंतिक नवरात्र का है, जिसके विषय में मैंने प्रथम दिन भी आप लोगों को निवेदन किया था कि नवरात्रि क्यों होती है। तो कहते हैं वेद व्यास जी महाराज राजा जनमेजय से कि अमावस्या तक समस्त पूजा की जो तैयारी है वो हमें कर लेनी चाहिए। और अमावस्या आने तक व्रत पूजन हवन इत्यादि की सभी सामग्री एकत्रित कर लेनी चाहिए। उसके बाद में किसी समतल स्थान में एक सुंदर मंडप बनाना चाहिए और उस मंडप को गाय के गोबर से लीपना चाहिए। समतल मतलब बराबर वाली जो जगह है उस जगह पर मंडप बना करके वहां पर गाय के गोबर से उसको लीप देना चाहिए। उसकी उस मंडप के बीच में सुंदर चौरस मतलब चौकोर एक वेदी स्थापित करनी चाहिए। उसके अभाव में चौकी भी स्थापित कर सकते हैं, तो एक चौकी स्थापित करनी चाहिए, वेदी बनानी चाहिए। और तदनंतर देवी के तत्व को जानने वाले सदाचारी संयमी और वेद वेदांग में पारंगत विद्वान ब्राह्मणों को आमंत्रित करना चाहिए। तदनंतर उन ब्राह्मणों के द्वारा, उन द्विजजनों के द्वारा प्रतिपदा को प्रातः काल मंडप में आमंत्रित करना चाहिए, उनको बुलाना चाहिए। तदनंतर सर्वप्रथम प्रतिपदा के दिन जो पूजा करने वाला व्यक्ति है उसे सर्वप्रथम किसी नदी में, किसी तालाब में, कुएं में जाकर के स्नान करना चाहिए। तदनंतर ब्राह्मणों का वरण करके उन्हें अर्घ्य पाद्य आदि अर्पण करके यथाशक्ति उन्हें वस्त्र और अलंकार प्रदान करने चाहिए। यहां देवी भागवत में लिखा है, विप्रे संतोषिते कार्यम संपूर्णं सर्वथा भवेत् नव पंचत्रयश्चैको देव्या पाठे द्विजा स्मृता। कहते हैं संतुष्ट ब्राह्मणों के द्वारा किया हुआ कार्य ही सम्यक प्रकार से परिपूर्ण होता है। मैंने कल भी निवेदन किया था, यदि हमारे वहां आकर के यदि ब्राह्मण संतुष्ट नहीं है तो महाराज उस कर्म को करने का कोई लाभ नहीं। यद्यपि ब्राह्मण के लिए भी मर्यादा है, असंतुष्टा द्विजा नष्टा कहा गया है कि ब्राह्मण को तो हमेशा संतोषी ही रहना चाहिए। तथापि महाराज अगर ब्राह्मण आपके वहां संतोषी नहीं है तो वह काम करने से फिर कोई लाभ नहीं होगा। देवी का पाठ करने के लिए 9 अथवा 5 अथवा 3 अथवा 1 ब्राह्मण का चयन करें। जैसी सामर्थ्य आपके पास में वैसे ब्राह्मणों का वरण करके देवी का पाठ कराना चाहिए। वेदी पर रेशमी वस्त्र डालकर सिंहासन पर मां जगदम्बा की प्रतिमा को स्थापित करना चाहिए और प्रतिमा के हाथों में आयुध, सिंह पर सवार और वस्त्राभूषणों से सजी हुई वह प्रतिमा होनी चाहिए। भगवती की प्रतिमा के अभाव में नवारणक युक्त मंत्र को पीठ पर स्थापित करें। नवारणक मतलब मैंने आप लोगों को पहले बताया था 9 अक्षर वाला जो मंत्र है वो कौन है? ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाये विच्चे। तो अगर मूर्ति का अभाव है तो इसी मंत्र को लिख करके पीठ पर स्थापित कर लेना चाहिए। तदनंतर कहते हैं
माँ भगवती के पूजन के निमित्त पंच पल्लव जल से भरा हुआ कलश स्थापित करना चाहिए और पास में पूजा की समस्त सामग्रियों को इकट्ठा करके रखना चाहिए। तदनंतर माँ भगवती के निमित्त उत्सव का आयोजन करना चाहिए, गीत भजन इत्यादियों को गाना चाहिए। इस प्रकार से कहा है, सबसे पहले उपवास व्रत, पहले व्यक्ति को क्या करना है, उपवास व्रत करना है। अच्छा, उपवास व्रत किसे कहते हैं? उप मतलब होता है समीप में, वास मतलब निवास करना। उपवास मतलब क्या होता है? समीप में निवास करना। किसके? जिसकी आराधना कर रहे हैं, जिसके निमित्त उपवास कर रहे हैं। जिसके निमित्त उपवास कर रहे हैं उनके समीप में वास करना, उसका संकल्प ले लेना कि भाई हम इतने दिन से इतने दिन तक माँ भगवती के समक्ष ही निवास करेंगे। तो ये संकल्प लेने ही उपवास व्रत कहलाता है। आज महाराज नाम का तो हमारा व्रत होता है और महाराज दिन में हम लोग सो जाते हैं, तो सोने से क्या होता है, व्रत भंग हो जाता है। बार बार पानी पीने से भी व्रत भंग हो जाता है और महाराज हमारा व्रत होता, हम सुबह से न जाने कितनी चाय पी लेते है नहीं। तो बार बार जल पीने से, बार बार चाय इत्यादि पीने से, बार बार भोजन करने से व्रत भंग हो जाता है। तो उपवास का मतलब क्या है? भगवान के समीप में वास करना। भाई जब हम भगवान के समक्ष वास करेंगे तभी वह उपवास होगा। महाराज हमने व्रत तो कर लिया पर हमारा मन पवित्र नहीं है, दिन भर महाराज इसकी बुराई उसकी बुराई, इसके घर में ऐसा उसके घर में वैसा, तो ऐसा व्रत करके कोई लाभ होगा? बोलिए नहीं। ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, नहीं होगा ना। तो व्रत कैसे करना है महाराज? मन पवित्र रखना है, अपने आप को पवित्र रखना है। व्रत का मतलब क्या होता है? भूखे रहना व्रत का मतलब नहीं होता। व्रत का मतलब होता है कोई संकल्प ले लेना, कोई प्रतिज्ञा कर लेना कि हमारा ये व्रत है, ये हमारी प्रतिज्ञा है। और महाराज हम तो एक भी प्रतिज्ञा नहीं कर पाते, तो ऐसा व्रत करने से भी कोई लाभ नहीं है। तो कहते हैं सर्वप्रथम तो उपवास पर व्रत करना चाहिए, भगवान के समीप वास करके व्रत करना चाहिए। उसके बाद अगर ये नहीं कर सकते तो एक भुक्त व्रत करें, मतलब एक समय भोजन कर लें और बाकी समय जो है भूखे रहें, व्रत करके रहें। उसके बाद नक्त व्रत कर लें। अगर आप एक समय भी नहीं रह पा रहे हैं, केवल मात्र जो है एक समय भोजन करके आपकी तृप्ति नहीं हो रही है, तो फिर नक्त व्रत कर लें। तो नक्त व्रत कहते हैं दूध अथवा छाछ पी करके व्रत करना चाहिए, इसको नक्त व्रत कहते हैं। तो इनमें से किसी भी एक का आश्रय लेकर के माता भगवती का यह व्रत करना चाहिए और उसके बाद में संकल्प लेना चाहिए, करिष्यामि व्रतम मातर नवरात्रम उत्तमम सहायम कुरु मे देवी जब दम्ब ममाखिलम। कहते हैं पूजा करने से पूर्व या संकल्प ले लेना चाहिए कि हे माता भगवती, मैं आपके इस नवरात्र के व्रत को कर रहा हूँ, सहायम कुरु मे देवी, इस व्रत को विधि विधान पूर्वक संपादित करने में आप मेरी सहायता करें। माता भगवती हूँ प्रार्थना तय बाद करण जय कि माता भगवती को पूजन करण जय, तब जबीर माँ भगवती व्रत करवीर माँ भगवती सुंदर पूजन करण जय, पूजन ओ फुल्लून करण जय उलय में लिखी छो मंदार करंज अशोक चंपा कनील मालती, ये पुष्पों से माता भगवती की पूजा करनी चाहिए और माता जगदम्बा को दूर्वा नहीं चढ़ानी चाहिए। क्या नहीं चढ़ानी चाहिए? दूर्वा, दूब माता रानी को नहीं चढ़ती, गणेश जी को चढ़ती है, माँ भगवती को दूर्वा नहीं चढ़ती, इसलिए दूर्वा माँ को नहीं चढ़ानी है। इस अवसर पर धूप दीप षोडशोपचार इत्यादि ग्रहण करके माता का पूजन करना चाहिए। तदनंतर
व्रत पूर्ण हो जाने के उपरांत विविध प्रकार के सुंदर होम कुंड होते हैं, जैसे त्रिकोण हवन कुंड होता है, योनि कुंड होता है, चतुष्कोणीय होता है, अष्टकोणीय होता है। तो इस प्रकार विविध विविध प्रकार के हवन कुंड शास्त्रों में कहे गए हैं। तो उनमें से एक हवन कुंड बना करके माँ भगवती के निमित्त दशांश हवन करना चाहिए और व्रति को नित्य भूमि पर शयन करना चाहिए। व्रत करने वाले मनुष्य को निरंतर भूमि में शयन करना चाहिए और उसके उपरांत भोजन आदि से कन्याओं का पूजन करना चाहिए। नवरात्र में क्या विधान है? भोजन इत्यादि करा करके, वस्त्र इत्यादि दे करके कन्याओं का पूजन करना चाहिए, क्योंकि उन कन्याओं के रूप में ही माता भगवती विराजमान होती हैं। तो कन्याओं का पूजन करना चाहिए। कन्याओं का पूजन कैसे करें? तो कहते हैं, वैसे तो शास्त्र में विधान है प्रतिदिन एक कुमारी का पूजन करें अथवा एक साथ नौ कन्याओं का पूजन कर लें, अथवा पहले दिन एक कन्या का पूजन, दूसरे दिन दो कन्याओं का पूजन, तीसरे दिन तीन कन्याओं का पूजन, चौथे दिन चार कन्याओं का पूजन, पांचवे दिन पांच कन्याओं का पूजन, ऐसे करके नौ दिनों में नौ कन्याओं का पूजन करना चाहिए। ये कन्या पूजन का विधान है। कहते हैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार धन खर्च करना चाहिए, उन कन्याओं को प्रसन्न करना चाहिए, उसमें कंजूसी नहीं दिखानी चाहिए, कृपणता नहीं दिखानी चाहिए। हे राजा जनमेजय, पूजा विधि में एक वर्ष की कन्या का पूजन नहीं किया जाता। जब हम कन्या पूजन घरों में करते हैं तो एक वर्ष की कन्या का पूजन नहीं करना चाहिए। और तो कैसी कन्याओं का पूजन करें? तो कहते हैं दो वर्ष की कन्या से शुरू होकर दस वर्ष तक की कन्याओं का पूजन आप कर सकते हैं। कितने वर्ष की? बोलिए, दो वर्ष से दस वर्ष तक। ये बातें पुनः कोई नहीं बताएगा, तो इसलिए बहुत ध्यान से सुने। दो वर्ष से लेकर के दस वर्ष तक कन्याओं का पूजन हम लोग कर सकते हैं। तो कहते हैं जो दो वर्ष की कन्या होती है उसको कहा जाता है कुमारी। क्या कहा जाता है? कुमारी। जो तीन वर्ष की कन्या है उसे कहा जाता है त्रिमूर्ति। क्या कहते हैं? त्रिमूर्ति। चार वर्ष की कन्या को क्या कहा जाता है? कल्याणी। क्या कहा जाता है? कल्याणी। पांच वर्ष की कन्या को क्या कहते हैं? रोहिणी। क्या कहते हैं? रोहिणी। छह वर्ष की कन्या को कहा जाता है कालिका। सात वर्ष की कन्या को कहा जाता है चंडिका। और आठ वर्ष की कन्या को कहा जाता है सांभवी। और नौ वर्ष की कन्या को कहा जाता है दुर्गा। और दस वर्ष की कन्या सुभद्रा कहलाती है। इससे ऊपर की आयु की कन्या का पूजन नहीं करना चाहिए। कहते हैं कारण उसका यह है क्योंकि वह सभी कार्यों में निंद्य मानी जाती हैं। तो जो कुमारी है, जो दो वर्ष की कन्या है माताओं, उस दो वर्ष की कुमारी नाम की कन्या का पूजन करने से हमारा दुख दरिद्र कष्ट सब दूर होता है और धन आयुष्य की बल की अभिवृद्धि होती है। तो दो वर्ष की कन्या को पूजने से क्या फल मिलता है? हमारे दुख दरिद्रता का नाश होता है। तो तीन वर्ष की जो कन्या है, जो त्रिमूर्ति कहलाती है, उसका पूजन करने से घर में धन धान्य का आगमन होता है, घर में संपत्ति आती है, पुत्र पौत्रादि की वृद्धि होती है। जो तीसरी कन्या है जिसे कल्याणी कहा जाता है, तो कहते हैं वह चार वर्ष की जो कल्याणी नाम की कन्या है उसका पूजन करने से विद्या विजय और राज्य सुख की संप्राप्ति होती है। तदनंतर जो पांच वर्ष की रोहिणी कन्या है, उस रोहिणी कन्या का पूजन करने से समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। मनुष्य बड़ी बड़ी पदों को आरोहित होता है, बड़े बड़े पदों को प्राप्त करता है। तदनंतर छह वर्ष की जो कालिका है उसका पूजन करने से शत्रुओं का नाश होता है।
सात वर्ष की जो चंडिका मैया है उनका पूजन करने से धन और ऐश्वर्य की अभिवृद्धि होती है। आठ वर्ष की जो सांभवी है उस कन्या का पूजन करने से दुख दरिद्रता का नाश होता है। और विशेषकर संग्राम में विजय के लिए, न्यायालयों में विजय के लिए इस कन्या का पूजन किया जाता है। और जो नौ वर्ष की दुर्गा है उनका पूजन करने से शत्रुओं का नाश होता है। दस वर्ष की जो सुभद्रा नाम की कन्या है उनका पूजन करने से समस्त सकल मनोरथों की सिद्धि होती है। और कहते हैं त्रिमूर्ति और कुमारी जो कन्या है उनका विधिवत पूजन सामग्री से पूजन करना चाहिए। और उन्हीं में माता भगवती का स्वरूप देख करके उन कुमारिकाओं का पूजन करना चाहिए। इससे सभी कामनाएं परिपूर्ण होती हैं। तब वेद व्यास जी महाराज कहने लगे, हे राजन, कुमारी पूजन में कन्या अंगहीन अथवा कोई रोगों से संलिप्त नहीं रहनी चाहिए, उस कन्या का पूजन नहीं करना चाहिए। तथा वेद व्यास जी महाराज कहते हैं समस्त कार्यों की सिद्धि के लिए ब्राह्मणों की कन्या का पूजन करना चाहिए। यदि समस्त कार्यों की सिद्धि चाहते हैं तो ब्राह्मणों की कन्या का पूजन करें। अथवा विजय प्राप्ति की कामना है तो क्षत्रियों की कन्या का पूजन करें। यदि पैसा प्राप्त करना चाहते हैं, धन प्राप्त करना चाहते हैं तो वैश्य की कन्या का पूजन करें। और कहते हैं तदनंतर ब्राह्मणों को ब्राह्मण कन्या का पूजन करना चाहिए, क्षत्रियों को क्षत्रिय एवं ब्राह्मण कन्याओं का पूजन करना चाहिए, वैश्यों को ब्राह्मण क्षत्रिय एवं वैश्य कन्याओं का पूजन करना चाहिए। इसी प्रकार अंत्यजों को कहते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र चारों जाति की कन्याओं का पूजन करना चाहिए। वेद व्यास जी जनमेजय से कहते हैं, हे राजा जनमेजय, अष्टमी इसीलिए कहा गया है, प्राचीन काल में अष्टमी के दिन माता भद्रकाली दक्ष यज्ञ का विनाश करने के लिए करोड़ों योगिनियों के साथ में महाराज उस कनखल क्षेत्र में प्रकट हुई थी। कहते हैं जब दक्ष प्रजापति ने एक बार यज्ञ का आयोजन किया, आप लोगों ने कथा सुनी होगी, पहले शंकर भगवान का अपमान किया, प्रजापति बनने के बाद अहंकार आ गया कि सब लोग तो मेरा सम्मान करते हैं और ये शंकर मेरा दामाद होकर के मेरा सम्मान नहीं करता, मेरी पूजा नहीं करता, मेरे सम्मान में खड़ा नहीं होता। तो शंकर भगवान को अपशब्द कहने लगा, अमंगल वेश वाला, नग्न रहने वाला, शमशानवासी, अरे शमशान में रहने वाला कहाँ लोगों का मान सम्मान जानेगा, भूतों के साथ रहने वाला स्वयं भी तो भूत ही होता है। तो ऐसे अपशब्द कहकर के शंकर भगवान का अनादर किया। और तदनंतर महाराज शंकर भगवान ने तो स्थान छोड़ दिया। और इधर शंकर भगवान को निंदित करने के लिए मेरी माताओं दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ का आयोजन किया, समस्त ऋषियों को बुलाया, समस्त महात्माओं को बुलाया, देवताओं का आवाहन किया, लेकिन शंकर भगवान को नहीं बुलाया। जब कैलाश पर्वत से विमान निकलने लगे, सब जाने लगे, तो मैया ने पूछा किसी से कि भाई कहां जा रहे हो, तो तब कहते हैं उन्होंने बताया कि भाई आज पिताजी ने यज्ञ कराया है, क्योंकि माता सती की बहुत बहनें हैं, सब जा रही थी, तो उन्होंने कहा कि पिताजी ने यज्ञ कराया इसलिए हम जा रहे हैं। अब माता सती अपने मन में सोचने लगी, बार बार विचार करने लगी, कहती हैं कि मेरे पिताजी ने मुझे क्यों नहीं बुलाया होगा, मुझे क्यों नहीं आमंत्रण दिया होगा। बुआ कुंती माँ कहती हैं कि कोई मेरे साथ में दुख में नहीं आता गोविंद, केवल तुम मुझे प्राप्त होते हो, दुख में केवल आपका दर्शन होता है और जब सुख आता है आप चले जाते हो। इसका मतलब क्या है गोविंद, आप जब जब दुख आता है तब तब आप मेरे पास रहते हो, तो इसलिए मैं आपसे वरदान मांगती हूँ कि विपदा संतु न सस्वद तत्र तत्र जगत गुरु, हे भगवान मुझे ऐसा वरदान दे दीजिए कि इस कुंती के जीवन में सदैव
दुख ही दुख आए, सदैव विपत्ति पर विपत्ति आए। क्योंकि जब जब दुख रहता है आप रहते हो। और दूसरी कामना क्या मांगी? बोला स्नेह पास मिमम छिंदी दृढ़ पांडु सुकृष्णेशु। कहने लगी जो मेरी ये मेरे मायके वालों के प्रति जो मेरी ये मोह पास फदी बसी हुई है, जो मेरा मोह उन पर लगा हुआ है, इसको इस रस्सी को काट दीजिए। होगा सोचती है पिताजी भूल गए होंगे, इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, चलो कोई बात नहीं। शंकर भगवान से कहा स्वामी प्रजापतिस्ते ससुरस्य साम्प्रतम, आपके ससुर जी के घर में यज्ञ है, मैं जाऊं? शंकर भगवान ने आंख नहीं खोली, बोला देवी अच्छा ये बताओ निमंत्रण आया कि नहीं। अम्मा सकपका गई, बोली भगवान निमंत्रण तो नहीं आया है, पर क्या कोई पिता अपनी पुत्री को निमंत्रण नहीं देना चाहेगा? अरे हमारे पिताजी भूल गए होंगे। तो भगवान शंकर ने कहा देखो देवी, वैसे तो माता पिता और गुरु देवता के स्थान में अथवा कथाओं में निमंत्रण की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए कि हमें निमंत्रण आएगा तब हम गुरुजी के घर में जाएंगे, पिता के घर में जाएंगे। परंतु जहां मान सम्मान न हो वहां महाराज नहीं जाना चाहिए। माता सती कहने लगी पिताजी की वहां यज्ञ है, बड़ी जाने की इच्छा, देखो स्वामी मेरे तो सारे बहने आई होंगी, समस्त देवता वहां पहुंच रहे हैं। तो भगवान शंकर ने कहा देखो देवी मैं तो तुम्हें आज्ञा नहीं दे सकता, यदि तुम्हें जाना है तो जाओ। माता सती कहती है भगवान यदि आप ही आज्ञा नहीं देंगे तो मैं कैसे जाऊंगी, मान जाइए ना। अरे पिताजी भूल गए होंगे इसलिए उन्होंने निमंत्रण नहीं दिया, और देखना मैं वहां जाकर के उनको बहुत भला बुरा कहूंगी, और वो जल्दी ही शीघ्रता से दूत भेजेंगे और आपको बुलाने का प्रयास करेंगे, और निश्चित भगवान शंकर आपको बुलाएंगे। भगवान शंकर तो सब जानते हैं, कहते देवी कोई नहीं आने वाला, मुझे तो भविष्य का दृष्टिपात करके भी संदेह हो रहा है कि तुम भी वापस आ पाओगी या नहीं आ पाओगी। माता सती मान नहीं रही, भगवान बार बार समझाते हैं। भगवान ने कहा देवी जो करना है करो, मैं तो अपना भजन कर रहा हूं, मैं कुछ नहीं कह सकता। अब बार बार माता सती जाने का उपक्रम करती है और भगवान शंकर नेत्र बंद कर लेते हैं। जैसी सती मैया आगे निकल करके जाती है, भगवान थोड़ा सा आंख खोल करके देखते चली तो नहीं गई। तो महाराज फिर जैसे लौट करके माता सती आती है तो फिर आंख बंद कर लेते। माता सती फिर कहती है भगवान आज्ञा दे दीजिए ना, मैं जाना चाहती हूँ। भगवान कुछ नहीं बोलते। अब माता सती को महाराज कहते हैं उसी समय, ऐसा देखिए भागवत जी में भी स्पर्श किया है और अन्य तंत्र ग्रंथों में भी है, कहते हैं उसी समय माँ जगदम्बा को क्रोध आ गया, और इतना भयंकर क्रोध आया कि माँ भगवती के शरीर से महाराज 10 विद्याएं प्रकट हुई और उसके साथ में करोड़ों योगिनियां प्रकट हो गई। उन्होंने शंकर भगवान को घेर लिया, कहते हैं 10 महाविद्याएं हैं। तो वो माता सती के देह से वही प्रकट हुई, यहाँ पर स्पर्श किया है। पुरा अष्टम्याम भद्रकाली दक्ष यज्ञ विनाशिनी प्रादुर्भूता महाघोरा योगिनी कोटिभि सह। कहते हैं प्राचीन काल में अष्टमी के दिन ही वो माता भद्रकाली उनके देह से प्रकट हुई थी। प्राचीन काल में दक्ष का यज्ञ भंग करने वाली महाभयानक भगवती भद्रकाली महायोगिनियों सहित अष्टमी तिथि को ही प्रकट हुई है। जिसकी जैसी कामना होती है यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम, जो जो जैसी जैसी कामना लेकर के माता भगवती की पूजा अर्चना करता है, नवरात्रि का व्रत करता है, उसके समस्त कामनाएं परिपूर्ण हो जाती है। धनहीन अत्यंत दुखी विशाल कुटुंब वाला जो है एक वैश्य निवास करता था। पुरा कश्चित वणिक दीनो धनहीना सुदुखिता। कहते हैं प्राचीन काल में कोई वैश्य कोई व्यापारी बड़ा परिवार वाला पृथ्वी पर निवास करता था और उसकी अनेक संतानें थी। Thank you.
मानेगी मेरी माँ, क्यों नहीं मानेगी मेरी माँ, क्यों नहीं लीजिएगी मेरी माँ, क्यों नहीं मानेगी मेरी माँ। बोलिए जगत जननी जगदम्बिका मैया की जय हो। तो सज्जनों, बाहर हमारी कथा चल रही पंडाल जो हमारा यज्ञ मंडप बना है, यहाँ पे देखिए प्रसाद पैकिंग भी चल रही है। ये प्रसाद है जो सूजी और इसमें बतासे मिक्स करके इसको बनाया जाता है। ये सभी भक्तों को दिया जाता है अंत में जब कथा समापन हो जाता है उसके पश्चात। ये दोनों देखो, दोनों बंधु हमारे लगे हुए हैं। दुर्गे जय जय रतिनाशिनी दुर्गे है, काल विनाशिनी काली जय जय काल विनाशिनी काली जय सीता रुक्मणी जय जय राधा सीता रुक्मणी जय रतिनाशिनी दुर्गे जय जय रतिनाशिनी दुर्गे और अब आरती संपन्न होने के पश्चात ताऊ जी सभी भक्तों के पास में पूजा की थाल लेके जा रहे हैं। सभी लोग इससे आशीष लेते हैं, साथ ही साथ में चरणामृत और प्रसाद भी सभी भक्तों को बांटा जा रहा है। और अब फाइनली हमारा प्रसाद का यहाँ पे भंडारे का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। ये सभी भक्त आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रसाद वितरण करने में लगे हैं, और साथ ही साथ में जो दर्शक लोग, जो भक्त लोग यहाँ पे कथा श्रवण करने आए हैं, वो सभी यहाँ से प्रसाद की प्लेट लेकर के प्रसाद पा रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए, आज हमने बाहर ये व्यवस्था कर रखी, कल तक हम नीचे करते क्योंकि आज ज्यादा संख्या में लोग आए हैं, तो इसलिए हमने बाहर खेत में ही व्यवस्था की है। हमारी पंचम दिवस की कथा का समापन हो चुका है, और अभी जो है कीर्तन इसके बाद प्रारंभ होगा। तो आज की कथा में जो है नवरात्रि के विषय में बताया गया विशेष रूप से,
नवरात्रि का व्रत कैसे करना चाहिए और क्या क्या उसकी विधि होती है, पूरी प्रोसेस और क्या क्या मंत्र उसमें जाप करने हैं, कैसे इसको करना है, सारा उसमें डिटेल में आज पूरी कथा में बताया गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आए प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि कोई भी हमारा नया ब्लॉग को देखते हैं तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो ऐसे हमारे साथ ऐसे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए ब्लॉग में। इसके लिए धन्यवाद।